हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपटॉप बैक गेन एक बार फिर से आपका स्वागत है जनरली चूजिंग राइट साइड ऑफ अ कॉफ़ी टेबल इज़ अ डिफिकल्ट टास्क दिखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है जब भी आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो एक सेंटर टेबल ढूंढते हैं स्टैंडर्ड रेडी टू यूज जस्ट पिक आउट और यू गेट डिलीवर्ड एट होम और घर पे आने के बजाय बनाए होता है तो जयपाल जी हमारे साथ में हैं जयपाल जी इज एन एक्सपर्ट उन्होंने हमारी डाइनिंग टेबल बनाई थी उनकी कंपनी का डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे So we decided to call him home so we can get this idea clear. We got everything fixed. जो हमने सीखा वो आपके साथ अब शेयर करने वाले हैं कॉफी टेबल कन्वेंशनली नोन एज टेबल्स और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप होम डेकोर या इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं इसमें सबसे पहले चीज़ होती है वो है डायमेंशनस की यानी कि इसकी हाइट लंबाई और चौड़ाई की जनरली आपके हाइट जो है वो बहुत मैटर करते हैं लंबाई चौड़ाई सेकेंडरी है तो आपके सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल की हाइट आपके सोफ़ा से लगभग दो इंच कम होनी चाहिए और इसकी लेंथ एंड वर्थ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का सोफ़ा वहाँ पर रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सब कुछ इंग्लिश में होगा आप वहाँ पर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं सो so, जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है अराउंड सेवनटीन इंचज़ से ले कर और सिक्सटीन इंचज़ से लेकर एटीन इंचज़ के हाइट की सेंटर टेबल्स मिल जाती हैं ये आप ख़ास ख्याल रखें इनको अगर आप पैल अरेंजमेंट के साथ रख रहे हैं यानी आपके दो सोफ़ाज़ अगर स्ट्रेट लाइन में हैं और सीधे हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे अगर आप एक एल कॉर्नर सोफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एल शेप में है तो वहाँ पे स्क्वायर शेप का सेंटर टेबल होता है जनरली थ्री बाई थ्री उसकी आ, उसके डमेंशन से हाइट हमने आपको बता दिया शुड बी अराउंड सेवनटीन इंचज़ से लेके सिक्सटीन इंचज से लेके एटीन इंचज तक मैक्सिमम एटीन इंचेस अदरवाइज़ आपके सोफ़ा से लगभग दो इंच के आसपास वो कम होना चाहिए कॉफी टेबल्स की यूटिलिटी से ज़्यादा उसके डेकोर पे ध्यान दिया जाता है तो पहले डेकोर की बात करेंगे जब भी आप अपना सेंटर टेबल या कॉफी टेबल डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरह का कॉफी टेबल चाहिए तो आप अपने थीम से मैच कर लीजिए जो लोग फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनके लिए रिलेटिवली बहुत आसान होता है क्योंकि किसी भी तरह कि आप के आप फ्यूजन के सेंटर टेबल कॉफी टेबल को आप इसमें मर्ज कर सकते हैं वीडियो के एंड में ऑलमोस्ट एंड में आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना है पहले आपको बता दें कि क्या करना है तो राइट right साइज़ ले लें रेक्टेंगुलर ओवल सर्कल या फिर स्क्वायर ये शेप्स में अवेलेबल हैं हाइट का ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर हाइटेड टेबल लेंगे तो भी कम्फर्टेबल नहीं होता है बहुत नीचा भी नहीं है अनलेस यू हैवे लोअर सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपका फ्लोर अरेंजमेंट है नीचे का सीटिंग अरेंजमेंट है तो आप अपने सोफाज के हिसाब से उसको मैच कर लीजिए जैसे कि जैपनीज टेबल में होता है वहां पर आप लोअर सीटिंग रखते हैं दीज आर आर टेबल्स हमने ये अपने घर पर मंगा के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है सो लेट मी शेयर विद यू अनबॉक्सिंग है ये जयपाल जी की तरफ से बने हुए हैं टैगलॉन की कंपनी का नाम है वी चोज सर्कुलर लाइंस का इंपॉर्टेंस हम बताते रहें हमेशा क्योंकि घर में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं राइट आपके वॉल्स के ऊपर फर्नीचर के ऊपर तो अगर आप चाहते हैं कि उनमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ऐड हो अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन ऐड हो तो आप सर्कल शेप में ले लें नेस्ट ऑफ थ्री की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है बिकॉज ये कॉलेप्सबल होती हैं आप इनको आपस में एक दूसरे में आ, एंट्री करा सकते हैं तो सेट ऑफ थ्री हमने नेस्ट ऑफ थ्री जिसको बोलते हैं वो हमने जयपाल जी से ऑर्डर प्लेस किया नेस्ट ऑफ थ्री का एक और फ़ायदा भी है इसकी मल्टी यूटिलिटी होती है आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और जनरली ये बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते सर्कुलर टेबल्स ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर और सर्कल और स्क्वायर शेप से थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं लेकिन स्टाइलिश घर के लिए सर्कुल सर्कुलर टेबल यानी कि राउंड टेबल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स आपसे शेयर कर दें ज़्यादा विजुअल दिखाने के लिए नहीं है लेकिन आपको बता दें कि वर्बली आपको बताएंगे आप ध्यान से सुन लीजिए आई थिंक आपके काम आएगा वो सबसे पहले शेप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा शेप कंफर्टेबल है आपके घर में अगर पेट्स हैं बच्चे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप कॉर्नर वाला टेबल ना ख़रीदें बल्कि आप ओवल या राउंड खरीदें नेस्ट ऑफ थ्री स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में आता है तो आप नेस्ट ऑफ थ्री खरीद सकते हैं और ओवल में भी कोलेपसिबल uh, होता है यानी कि एक दूसरे में आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं वो भी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में आता है ये हो गया बात साइज़ का एल कॉर्नर के लिए हमने बताया कि आपको स्क्वायर शेप लेना है बाकी अरेंजमेंट के लिए आपको लेंथ में लेना है लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम हाइट ऑलमोस्ट उतनी ही सिक्सटीन इंचज़ के आसपास इसकी हाइट रखिएगा स्टैंडर्ड हाइट जो इसकी आती है अब बात करेंगे इनके डिज़ाइंस की अगर आप इंडस्ट्रियल फिनिश कर रहे हैं यानी कि आपके घर में थोड़ा सा रॉट आयरन का फर्नीचर है तो रोट आयरन बेस ले लीजिए दूसरा अगर आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं और इसका डिसाइडिंग फैक्टर आपका सोफा भी होता है वो भी अभी आपको बताएंगे लेकिन फिनिश की बात करें तो अगर आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जा रहे हैं तो आप मेटल में बनाइए ये गोल्ड रोज़ गोल्ड या फिर सिल्वर में बन जाते हैं तीसरा सेगमेंट होता है जब आप अर्बन हाउस बनाते हैं अर्बन हाउस के लिए आपको वुडन ज़्यादा यूज़ होता है तो आप वुडन सेंटर टेबल बनाएं इसके अलावा बोहिमिन स्टाइल होता है तो उसमें आप लाइवेज के सेंटर टेबल भी रख सकते हैं जिसमें लाइवेज आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर लाइवेज का टॉप बना हुआ होता है और बेस में या तो इंडस्ट्रियल फिनिश होता है या फिर लाइवेज का ही बेस होता है इसके अलावा पुराने ट्रंक्स का इस्तेमाल ऐसा सेंटर टेबल बहुत अच्छा होता है तो आप इस तरह से कोई एक अच्छा सेंटर एक ट्रंक ख़रीद लीजिए लेकिन ट्रंक्स में स्टोरेज भी होता है ये उसका एक एडवांटेज होता है इसके अलावा कॉफ़ी टेबल यानी कि सेंटर टेबल जिसको हम कन्वेंशनल लैंग्वेज में सेंटर टेबल बोलते हैं कॉफ़ी टेबल का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए भी होता है जिसमें ड्रॉर्स होती हैं तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि बात कर रहे थे थीम की तो अब आप आपको बता दें कि आपको इसको कैसे मैच करना है इसको मैच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको अपने सोफ़ा से मैच कर लें अगर आपने किसी भी तरह का कार्विंग या वुड अगर आपके सोफ़ाज पर रिफ़्लेक्ट हो रहा है तो उसी वुड को रिफ़्लेक्ट करते हुए आप अपने कॉफ़ी टेबल को चूज़ करें हाइपोथेटिकली अगर आपने एक वेस्टर्न स्टाइल का या फिर डीप कार्विंग का सोफ़ा लिया है तो आपके सेंटर टेबल पे भी कार्विंग होना चाहिए अगर आपने सेंटर टेबल uh, को स्ट्रेट लाइन रखना है तो आपका सोफ़ा भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए यानी कि अगर आप स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में जाते हैं और आपने स्ट्रेट लाइन फर्नीचर ख़रीदा है तो अपने कॉफी टेबल को भी आप सिंपल और एलिगेंट स्क लाइगस में रखिए इसके अलावा अब बात करेंगे मटेरियल की जो टॉप में यूज़ होते हैं टेबल्स के ऊपर इस्तेमाल होने वाले टॉप्स भी कई तरह के आते हैं हाइपथेटिकली एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो ग्लास टॉप्स बहुत पॉपुलर हैं लेकिन ग्लास टॉप्स के अपने डिमेरिट्स हैं ग्लास टॉप्स में वो क्लास नहीं आता है जो कि ऑनिक्स में है या फिर वुड में है इसलिए आप अगर अगर आपके पास स्पेस कम है और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक आपका लिविंग रूम नहीं दिखे तो आप ग्लास का टॉप लें अगर आपने बहुत अच्छा कारपेट नीचे डाला हुआ है रग बहुत अच्छा डाला हुआ है तो भी आप एक ऐसा सेंटर टेबल चूज़ करें जिसके ऊपर ग्लास हो क्योंकि ग्लास के थ्रू आपका रग दिखाई देगा अगर आपके पास स्पेस कम है तो स्लीक लेग्स का पतलेगों लेग्स वाला एक सेंट टेबल यानी कि कॉफ़ी टेबल चूज़ करें उससे आपका स्पेस में थोड़ा एयर मूव करता है और वो अच्छा दिखता है ड्रॉर्स का पर्सनली आई डू नॉट प्रेफ़र क्योंकि जनरली उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है आप जब भी कॉफ़ी टेबल लेते हैं अगर उसमें ड्रॉर्स हैं आप उसको फिल करते रहते हैं अल्टीमेटली वो आपका एक स्टोरेज बन जाता है जबकि एक कॉफी टेबल आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आपके ड्रॉइंग रूम का का मेन पॉइंट है फोकल पॉइंट है इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टोरेज वाला अवॉइड करें जैसा कि हम बता रहे थे कि एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ राइट कॉफी टेबल कॉफी टेबल एक तो ओवर साइज़ ना हो बहुत छोटी ना हो स्टोरेज के साथ ना हो टॉप के ऊपर अगर आपने ग्लास टॉप लिया है उसके पास क्योंकि आपको स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में जाना है तो आप पैबल्स जिसमें भरे होते हैं पत्थर या फिर फूल या सूखे फूल वो ना लें वो बहुत ख़राब दिखते हैं वो बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं होता अगर नेस्ट ऑफ थ्री लिया है मल्टी यूटिलिटी होता है आप दो सेंटर टेबल में अपने सोफ़ाज़ के पास रखिए और एक को आप अपने सोफ़ा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं इसके अलावा एक चीज़ और डायमेंशनस बता दें आपको कि जितना आप साइज़ मेजर करते हैं इसके दो और बहुत ही ऑफ हैंड टिप्स हैं जो आप देख सकते हैं मतलब मुझे लगता है कि वो आपके काम आएंगे बहुत बेसिक कैलकुलेशन है कि जब भी आप डायमीटर या या वर्थ अपने कॉफी टेबल का डिसाइड कर रहे हैं तो आपके सेंटर टेबल से लग आपके सॉरी आपके सोफा से लगभग एक फुट से लेकर डेढ़ फ़ुट का डिस्टेंस उसमें होना चाहिए क्योंकि ये स्पेस आपको चाहिए होता है इसमें आप लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होता है ये क्लास्ट्रोफ्रोबिक भी नहीं होता है जिस तरह से आप सोफ़ाज़ को अपने वॉल से लगभग तीन से चार इंच की के डिस्टेंस पर रखते हैं उसी तरह से अपने सेंटर टेबल को आप अपने सोफ़ाज़ से लगभग एक से डेढ़ फीट की दूरी पर रखिए तो ये अच्छा दिखेगा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको नहीं करनी हैं जैसे सेंटर टेबल को डोंट यूज़ इट एज अ रन वे फॉर एवरी मतलब जनरली ऐसी टेंडेंसी होती है हमारी कि हम सेंटर टेबल के ऊपर ही सब पुराने पेपर मैगजीन्स ये सब रहते हैं वो सब नहीं करना है उससे आपका घर भरा भरा मैसी क्लस और बहुत ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक दिखता है तो जब भी आप इस तरह से कॉफ़ी टेबल को घर में अरेंज कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें ना रखें अपने सोफा से हमेशा मैच कर लें इसके अलावा मल्टी लेयर्ड जो जो कॉफ़ी टेबल्स होती हैं जिनमें नीचे ऊपर जगह होती है वो भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो भी अल्टीमेटली स्टोरेज का एक जगह बन जाती है फोल्डिंग आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे फोल्डिंग कॉफ़ी टेबल्स भी अवेलेबल हैं वो ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं तो ये कुछ टिप्स थे सेंटर टेबल्स यानी कि कॉफ़ी टेबल्स को लेके इनको आप यूज़ कर लीजिए ये अच्छा है और फॉरेन में ऑटोमन को भी एज अ सेंटर टेबल इस्तेमाल किया जाता है एज़ ए कॉफ़ी टेबल यूज़ करते हैं लेकिन इंडिया में वो कल्चर नहीं है क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा सर्विंग का कल्चर है इसीलिए हमने अपने कॉफी टेबल को रिलेटिवली अगर आप देखें तो थोड़ा बड़ा रखा है बिकॉज़ वी हैव अ कल्चर दैट हमारे यहाँ जो है जो सेंटर टेबल है कॉफ़ी टेबल है उस पर थोड़ा सा सर्विंग होता है इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए बिफोर वी वाइंड अप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर अपने कॉफ़ी टेबल को अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट करिए लाइक कैंडल स्टैंड बुक्स छोटे से प्लान्ट एंड अगर आपको स्पेस क्रिएट का सेंस क्रिएट करना है तो आप मिरर का भी ले सकते हैं और अगर स्पेस का सेंस क्रिएट करना है तो आप लंबे कैंडल स्टैंड उसके ऊपर रखिए आपका घर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करेंगे इसी चीज़ को इंग्लिश में बताएंगे फॉर द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू विल बी बैक अगेन टिल देन टेक केयर बाय बाय